हेलो क्लास ट्वेल्थ। अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा जो नया चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी को हम बिल्कुल आपको 11th के लेवल से उठा रहे हैं, है ना। जिसको नहीं आ रही है वो ये ना सोचे कि हमको नहीं आ रही, सर पिछले साल की हमको नहीं आती, क्या दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा 11th का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। हाँ, बस सवालों की संख्या 11th के कम होगी, हो सकता है कि ना उतने ज़्यादा करा पाएं, लेकिन कराएंगे इतने करवा देंगे कि आपको पर्याप्त, आपको 11th क्लियर हो जाएगा और सवाल भी 11th के लग जाएंगे, काफ़ी कुछ मजे के कराएंगे। क्योंकि अब तो दो चैप्टर मात्र बचे हुए हैं सिलेबस के और आपका सिलेबस समाप्ति की तरफ पहुंच रहा है धीरे धीरे, है ना। टेंशन ना लीजिए, बाकी फिर आराम से चलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस है, चांस है किसी चीज़ के होने या ना होने का, एक चांस है प्रोबेबिलिटी। आप जानते हैं बेसिक बात है। अब से कुछ जो टर्म्स यूज होते हैं उनको जरा समझते हैं बेसिक। अब प्रोबेबिलिटी में जो टर्म्स यूज होते हैं, सम टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। सबसे पहले एक शब्द आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्रयोग, हिंदी में प्रयोग बोलते हैं। अभी प्रयोग क्या है? कोई मतलब क्या हम फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं क्या? ना, हम प्रैक्टिकल नहीं करने जा रहे हैं। तो फिर क्या करने जा रहे हैं? प्रयोग का मतलब यहां पर है कि जब आप किसी भी कोई भी काम करोगे, यहां पे जैसे आप डाई को थ्रो कर रहे हो, एक प्रयोग है। कॉइन को थ्रो कर रहे हो, एक प्रयोग है, है ना। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल लो, ये प्रयोग है, है ना। 100 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन कर रहे हो, प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। तो वर्ड एक्सपेरिमेंट क्लियर? एक्सपेरिमेंट कोई बहुत बड़ी टर्मोलॉजी नहीं है। इट इज एन ऑपरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, है ना। छोटा सा एक तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक शब्द आता है सैंपल स्पेस। एक्सपेरिमेंट शब्द समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा शब्द हमारा है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऑल A set of all possible outcomes, जो हमारे possible outcomes हैं of an experiment। कोई भी प्रयोग किया उससे जितने possible outcomes निकल आएंगे उससे एक सेट बनाएंगे, उसी को हम सैंपल स्पेस वर्ड भी यूज करेंगे। जैसे हमने क्या किया, डाई को थ्रो किया। जब डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह। ये क्या है? ये आउटकम्स है, उससे क्या बना सेट, इसी को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज द सैंपल स्पेस। जो भी हमारा सेट होगा, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, उससे जितने भी आउटकम्स आएंगे उनसे जो सेट बनेगा वही हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आता है और टेल आता है, तो ये आउटकम्स हो गए और इससे बना जो सेट उसका नाम हो गया सैंपल स्पेस। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इनके देखो, इसमें चार छह एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस को एनएस से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 2 हैं सर, एनएस की वैल्यू 2 हो जाएगी। एग्जांपल क्लियर हुआ होगा? थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर गया होगा कि व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। चलिए, अच्छी बात है, सैंपल स्पेस आपको। अब इसके बाद आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट शब्द आएगा। अब ये रैंडम शब्द को समझने के लिए थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से बात करते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा कि ये सर ऐसी बात करोगे तो आप तो मतलब बड़ा गंदा शब्द यूज कर देते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप इमेजिन करिए, रैंडम का मतलब है, हिंदी बोलते हैं अदृक्षा, मतलब समझना ध्यान से। मतलब इसमें क्या है, इसमें आपके अपने ब्रेन का यूज नहीं करना है। कोई एक्सपेरिमेंट करो उसमें आपका ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब अब हम कैसे समझे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या? जैसे मान लीजिए आप घर से निकले या स्कूल से निकले, आप स्कूल के गेट से बड़ी तेजी से एकदम रोड पे आए, अपनी बाइक से उठाए जर्र और एकदम रोड पे आए, अचानक उधर से एक कार आ रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसने आपको ठोंक दिया। मतलब ये जो हुआ ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यही मैंने कहा गंदा आपको लगेगा कि आप एक्सपेरिमेंट की जगह एक्सीडेंट करवा दे रहे हैं, है ना। तो एक्सीडेंट का मतलब हम आपको समझा रहे हैं कि इसमें आप उस समय क्या होगा, वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, वो जो उस समय घटना हुई जिसको दुर्घटना कहेंगे आप, वो रैंडम थी, अचानक हो गई,
वैसे ही आपसे कहा जाए कि एक बैग है उसमें बॉल भरी हुई है कुछ ढेर सारी कलर कलर की और आपको एक बॉल निकालनी है, अब आप ऐसे नहीं कैसे ऐसे हर झूला खोलोगे फिर उसको देखोगे फिर उसमें बॉल्स, ना ये रैंडम नहीं है। रैंडम का मतलब हमने कहा बॉल निकालो तुमने यूं हाथ डाला खटाक खटाक बाहर, ये रैंडम है। हमने कहा पॉइंट टॉस करिए, अभी कुछ लोग ऐसे पॉइंट को हेड मिला रहे ऐसे रखेंगे तो ऐसा आएगा ऐसे रखें ऐसा नहीं, आपसे कहा पॉइंट टॉस टॉस ये रैंडम है। थ्रो द डाई, डाई फेंक दीजिए, अब यानी कि पाव ऊपर रख रहे हैं छः को नीचे रख रहे हैं कि ऐसे रखेंगे तो छः आएगा ऐसे रखेंगे तो ये आएगा, वो रैंडम नहीं है। रैंडम का मतलब आपको हमने समझाया कि रैंडम मतलब अचानक होना चाहिए, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनोलॉजी यूज होंगी कि कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी, ये शब्द आएंगे इसलिए इनको समझा रहे हैं। रैंडम समझ में आ गया, हाँ। अब उसके बाद बात आती है इवेंट, अब इवेंट क्या होती है, अभी हमने एक सैंपल स्पेस बनाया था, उन्होंने सैंपल स्पेस हमारा मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास ये तीन आउटकम्स आए, ये सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस के टुकड़े बनाओ सबसेट बनाओ, तो इवेंट क्या है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ, इवेंट क्या है सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, ये क्या है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जो सबसेट होंगे वो सैंपल स्पेस कहलाएंगे, सॉरी सबसेट जो होंगे वो इवेंट कहलाएंगे, किसके सैंपल स्पेस के, जैसे मान लीजिए इसके सबसेट बनाए, एक सबसेट ये बनेगा, एक सबसेट ये बनेगा, एक सबसेट ये बनेगा, एक सबसेट ये बनेगा, आपने 11 में पढ़ा था सेट थ्योरी में, एक सबसेट ये बनेगा, एक सबसेट ये बनेगा और एक सबसेट खाली रहेगा कुछ नहीं होता, ये सबसेट है, ये सब सबसेट है, अब ये सबसेट ये सब इवेंट है, एक इवेंट ये है, ये इवेंट 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 है, ये भी इवेंट है, ये सब क्या इवेंट है, तो इवेंट क्या होती है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के जो सबसेट है वही इवेंट है। अब वो इवेंट कई तरीके की होती है, वो इवेंट कई तरीके की होती है, उन तरीकों को समझ लिया जाए, क्लियर हो गया, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ये सबसेट दिया, ये सेट ये सैंपल स्पेस लिया उसके सबसेट ये बना दिखाए, ये सब इवेंट है। अब इनमें किसी इवेंट की या किसी दो इवेंट की या किसी तीन इवेंट की एक साथ क्या पूछ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, बस ठीक वो अलग कहानी अलग की बात अलग समझेंगे। अब हम बात समझते हैं सैंपल स्पेस में इवेंट होती है, तो इवेंट के टाइप होते हैं, नंबर वन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सिंपल इवेंट, सिंपल नंबर एक कौन सी इवेंट है, सिंपल इवेंट की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं सिंपल, इसका दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री इवेंट, वो इवेंट दोज इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट, वो घटनाएं जिनमें प्रति सैंपल स्पेस का हिंदी में नाम होता है, सैंपल स्पेस का हिंदी में नाम होता है प्रतिदर्श, क्योंकि अभी कुछ अंग्रेजी बोल देंगे बाद में, प्रतिदर्श समष्टि, क्या होता है प्रतिदर्श समष्टि हिंदी में ये बोलते हैं, और इवेंट का मतलब होता है घटना, तो वो घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक एलिमेंट आए, दैट इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, देखो ये इवेंट है इसमें देखो सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट आया, इसमें सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट आया, ये सारी इवेंट कैसी है सिंपल इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है, दैट इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, जल्दी से याद करो वन दैट इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, वह घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक ही अवयव आए उसे सरल घटना कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं सरल घटना, क्लियर हो गई बात, ओके सर, सिंपल खत्म, सिंपल की कहानी खत्म, मिटा दिया मिटा दिया, ये ऊपर से ये भी हटा दे रहे, ये भी हटा दे, जगह बना ले रहे, जगह बना ले रहे, है ना, ये कहा मिटा दिया मिटाया नहीं लिख रहे फिर से, ये खाली वाला है, ये ए वाला है, ये डी वाला है और ये सी वाला है, ठीक बन गया, आइए सर ये सैम आपकी इवेंट, अब इसके बाद बात आती है कंपाउंड इवेंट, कौन सी इवेंट कंपाउंड, तो दैट इवेंट विच कंटेन मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, वो इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे वो कैसे इवेंट कहलाएंगे कंपाउंड, दैट इवेंट विच कंटेन, अब बोल रहे हैं सिर्फ आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, दैट इवेंट विच कंटेन ओनली ओनली नहीं एट लीस्ट टू एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, यस जो भी शब्द कंपाउंड, कौन सी इवेंट की बात कर रहे हैं कंपाउंड इवेंट, यौगिक घटना कंपाउंड इवेंट, अंग्रेजी हिंदी वाले अपने आप शब्दों का ध्यान रखें,
यौगिक घटना, वे घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श समष्टि का एक से अधिक अवयव आए, एक से अधिक अवयव आएंगे, दैट इवेंट विच कंटेन मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, वो घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श समष्टि का एक से अधिक अवयव हो उसे कंपाउंड इवेंट यानी यौगिक घटनाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सब ऐसी हैं कि कंपाउंड इवेंट है। क्लियर हो गए कंपाउंड इवेंट, दूसरी इवेंट का नाम क्लियर हो गया। तीसरी इवेंट की बात करते हैं हम लोग, तीसरी इवेंट का नाम होता है श्योर इवेंट, श्योर या पॉसिबल इवेंट, श्योर है ना, हिंदी में होते निश्चित, पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट है ना। तो देखो भैया वो घटना, अभी घटना है तो ये सब घटना है, ये सब घटना, तो इसमें किसी वो घटना जिसमें प्रतिदर्श सारे एलिमेंट आते हैं, दैट इवेंट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, दैट इवेंट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, दैट इवेंट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, दैट इवेंट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, वो घटना जिसमें प्रतिदर्श समष्टि के सभी अवयव आए, ये वाली एक ऐसी इवेंट है, ये श्योर इवेंट। फिर आती है इम्पॉसिबल इवेंट, इसको पॉसिबल बोला ऐसे होती है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ना, अनिश्चित, अनिश्चित जिसमें कोई एलिमेंट ना आए, दैट इवेंट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है इस घटना में, ये वाली कैसी है, ये कैसी है इम्पॉसिबल इवेंट है ना, अनिश्चित घटना है, अनिश्चित घटना है, इसको कौन सी घटना बोलेंगे, अनिश्चित घटना बोलेंगे, कौन सी घटना बोलेंगे, अनिश्चित घटना, कोई दिक्कत नहीं। चार घटनाएं बताई, सरल, यौगिक, निश्चित, अनिश्चित, सिंपल, कंपाउंड, सर्टेन एंड अनसर्टेन, या इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, जैसा नाम दो, ओके हो जाएगा, हो गया होगा, लिख लिया होगा, लिखा पढ़ी के साथ आप अपने काम को अंजाम देते रहिए, है ना। हमने बोला है आपको, अगर लग रहा है तो आवाज को थोड़ा मतलब स्पीड को स्लो करके धीरे धीरे जब बोल रहे हैं आप धीरे धीरे करके नोट कर लीजिए कॉपी पे, स्पीड कम करने का ऑप्शन आपके पास होता है, यूट्यूब की यही सबसे बड़ी खासियत है, आराम से आप उसको तेज और जल्दी। अब इसमें कुछ शब्द और समझने, एक शब्द समझना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कौन सी इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना। फिर एक पढ़ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर एक एग्जॉस्टिव इवेंट, ये शब्द अभी आएंगे बार बार, तो फिर आप कहोगे सर हमको समझ नहीं आ रही क्या बकवास आप कर देते हो, एग्जॉस्टिव इवेंट है ना। और लास्ट में इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, ये सब शब्द आपको मिलेंगे, इनको समझना है। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट पूरक घटना है, पूरक है ना, जिसे हम कहें कि ये घटना पूरक, मतलब बिल्कुल सिंपल बात समझिए। अब देखो हम इसको एक प्रोबेबिलिटी में ऐसे हम लोग वेन डायग्राम का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं पूरा सैंपल स्पेस है, ये पूरा सैंपल स्पेस, उसमें कोई घटना हो गई है ए, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी वो ये इसके बाहर की जितनी है ना, इस पूरी कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगी, ये पूरी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ये कैसी इवेंट है कॉम्प्लीमेंट, अगर ये ए है तो इसको ए डैश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए डैश इवेंट बोलेंगे, मतलब अगर वो घटनाएं मतलब वो इवेंट्स जो इसके अंदर हैं ए में हों, लेकिन मतलब ए में ना हों, ए में हों जो ए में होंगे वो इसमें नहीं होंगी, मतलब ए डैश में वो घटनाएं आएंगी जो ए में नहीं होंगी, जो ए में, जैसे हमने कहा कि अगर एक राम नाम का लड़का ए के अंदर बैठा है तो 100% है वो इस क्लास के बाहर नहीं होगा, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के अंतर्गत काउंट करेंगे। इसका मतलब यहाँ बहुत सिंपल होता है कि इन दोनों का जो सम होता है ना, ए और ए डैश का, वो एक के बराबर, दोनों की इवेंट का सम, मतलब दोनों का जब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, तो ये दोनों का सम किसके बराबर दिया करेंगे, एक के बराबर देंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री। फिर बात आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं अपवर्जी, अपवर्जी घटना है ना,
अपवर्ती घटनाएं क्या होती, इसको जरा समझिए ध्यान से। ऐसी दो या दो से अधिक घटनाएं, दो या दो से अधिक, अब ये जहां दो की बात होगी या दो से अधिक की बात होगी, ऐसी दो या दो से अधिक घटनाएं कि जब एक घटित हो तो दूसरी नहीं होनी चाहिए। When one is happening, another is not happening. जब एक घटित हो दूसरी ना हो, एक घटित हो दूसरी ना हो, एक हो ना हो दूसरी हो ना हो, इसका मतलब क्या होता है? अपवर्ती घटना। अब ये कैसे समझेंगे अपवर्ती? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ समझिए कैसे, जैसे घोड़े की रेस हो रही, धड़ 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 चार घोड़े दौड़ रहे हैं ए बी सी डी। अब घोड़े की रेस जब होगी तो उसमें जीतेगा साथ एक ही, हाँ जीतेगा तो एक ही, मान लो ए घोड़ा जीतेगा तो बी सी डी क्या हो जाएगा अपने, मतलब जब ए ने ए जीता तो बी सी डी अपने आप पीछे हट गए, मतलब जब ये घटना घटी ए वाली तो बी सी डी अपने आप पीछे हो गए, मतलब समझिए जब एक घटना घटित हो तो दूसरी घटनाएं घटित नहीं होंगी। मतलब क्या होगा, जब ये घटना होगी तो ये वाली घटना नहीं होगी, समझ गए? जब बी जीतेगा तो ए सी डी पीछे हट जाएंगे, हार जाएंगे, जब सी जीतेगा तो ए बी डी हार जाएंगे, डी जीतेगा ए बी सी हार जाएंगे। तो जब एक घटना घटित हो दूसरी घटना घटित ना हो तो वो घटनाएं अपवर्जी घटनाएं होती है। इसकी खासियत तो इनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती है। अब जब ए जीतेगा तो बी थोड़े ना कह ले थोड़ा तुम भी जीत लो ना, बी हट गया, तो इसमें कोई चीज इन दोनों घटनाओं में कभी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिखाई देंगे। ऐसी घटनाएं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं, ऐसी घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श समष्टि के कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ऐसे लिखा था, एक घटना ए लिखी दूसरी घटना बी सी लिखी, अब ये घटना और ये घटना, ये दोनों घटनाएं एक नहीं है, सैंपल स्पेस के सबसेट हैं, घटनाएं हैं। अब इन घटनाओं को हम बोलेंगे अपवर्जी घटनाएं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये घटनाएं कैसी हैं? अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं, इनको अपवर्जी घटनाएं बोलते हैं, है ना? हाँ, क्लियर हो गई बात? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉम्प्लीमेंट्री और एग्जॉस्टिव इवेंट की बात कर रहे थे हम लोग। एग्जॉस्टिव इवेंट में जरा समझिएगा थोड़ा ध्यान से, टू आर मोर इवेंट, दो या दो से अधिक घटनाएं को हम एग्जॉस्टिव इवेंट कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? कि जब, ध्यान सुनिएगा, टू आर मोर इवेंट सेट टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द, अगर हमारे पास दो घटनाएं हो, जैसे मान लो एक घटना हमारे पास ये ए बी है और एक घटना बी सी है और ये हमारा सैंपल स्पेस है, नाम है ए बी सी। अगर हम इन दोनों घटनाओं का यूनियन निकालें और हमको क्या मिल जाए? सैंपल स्पेस मिल जाए, तो ये घटना कैसी होगी? ये घटना एग्जॉस्टिव घटना है। समझ रहे हैं क्या होगा? दो घटनाओं का, अगर दो घटना या दो से अधिक घटनाओं का यूनियन निकालें और हमको सैंपल स्पेस मिल जाए, कैसी घटना है? एग्जॉस्टिव, नाम से याद रखना। इक्वली लाइकली जिनके होने की संभावनाएं समान होती, इक्वली लाइकली इवेंट होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनकी बात हम बाद में करेंगे जब आएगा। तो ये आपको शब्द हमने शब्दावली से परिचित करा दीजिए, शब्दावली से परिचित करा दिए गए, शब्दावली समझ रहे हैं ना? हाँ, अब बात आते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, आपने मतलब जो फॉर्मूला पढ़े क्लासिकल अप्रोच फॉर द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हम पूरा लिखे दे रहे हैं फॉर्मूला, लेकिन इतना बड़ा बार बार नहीं लिखा करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, वी ओ यू आर ए बी ए फेवरेबल टू द इवेंट, टू द इवेंट, वन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लीजिए। ये मतलब लैंग्वेज में लिखी हुई डेफिनेशन, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी बार बार थोड़ी लिखी थी। हम लोग किसी इवेंट की बात करेंगे, हमें मालूम, मान लो इवेंट हमारी ई है, नंबर इसमें क्या फॉर्मूला चलेगा? शॉर्टकट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, ये हमारी अप्रोच होगी। ई मतलब ई क्या है? ई कोई इवेंट है, ई क्या क्या है? एक मतलब जैसे सैंपल स्पेस हमने मान लिया, ई हमारे पास ए बी सी, तो तुरंत हमारे पास एनएसपी में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस कितने आ गए, इनको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ये तीन हो गए। अब हमारे पास मान लो कोई एक इवेंट है ई नाम की, उसका नाम है ए बी, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? इसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो एनी की वैल्यू कितनी होगी? दो। अब जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला पी, इस घटना की प्रोबेबिलिटी पी इसको एनी अपॉन में दो बटे तीन आंसर होगा, ऐसे काम करते हैं हम लोग, इस अप्रोच को लेकर चलेंगे। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कॉल प्रोबेबिलिटी, बस काम खत्म। इज इट कंफर्म एंड क्लियर? बिल्कुल क्लियर, फटाफट क्लियर।
कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सर, इसमें कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कि जो हमारी इवेंट होंगी। कौन सी इवेंट? अब शब्दों को जरा क्लियर रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट्स में उसकी प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए अगर ई इज श्योर इवेंट, श्योर मतलब सर्टेन इवेंट, इवेंट तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वन होगी, हमें कितने बराबर होगी? वन के बराबर। क्लियर? कैसे क्लियर? क्लियर कर देते हैं साहब। श्योर इवेंट वो होती है जिसमें सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट आए, यानी सैंपल स्पेस के एलिमेंट की संख्या एन एस की संख्या और एन ई की संख्या बराबर होती है इसमें। जब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे सर, पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस, तो एन ई की संख्या और एन एस की संख्या बराबर करो तो एन एस अपॉन एन एस नहीं बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे जाएगी वन। श्योर इवेंट देखो बताया था, यदि प्रतिदर्श समझ के सभी अवयव, वह घटना जिसमें प्रतिदर्श समझ के सभी अवयव होते हैं, जब सभी आ जाएंगे तो एन ई की वैल्यू और एन एस की वैल्यू बराबर नहीं हो जाएगी, तो ये श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। फिर जो अनसर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी अगर ई इज इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट कैसी इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। ई कैसी है? इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसमें एन एस की वैल्यू, यानी कोई एलिमेंट है, सॉरी एन ई की वैल्यू जीरो कहलाएगी। हाँ सर बिल्कुल कहलाएगी। जब फॉर्मूला लिखेंगे पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, तो एन ई अपॉन एन एस, एन ई की वैल्यू जब जीरो रखेंगे और उसमें एन एस का डिवाइड मारेंगे तो जीरो अपॉन समथिंग इज ऑलवेज जीरो, तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? जीरो होती है। याद रखना है आपको, ये छोटे क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो आपको हमें पता ही नहीं था। सर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी वन, अनसर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी जीरो। क्लियर? कंफर्म? ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करते चलिए सभी बातों को, वार्तालापों को नोट करते चलिए। सब कुछ आपके हाथ में है, आप जितना अच्छा नोट करेंगे, जितनी जल्दी नोट करेंगे उतना मजा आएगा, और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना? कोई दिक्कत? अब बात आती है, कुछ बातें और भी समझनी है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट के बारे में बात को क्लियर करना, जरा समझिए। मान लीजिए कोई एक घटना है, कोई घटना है वो स्मॉल ए तरीके से घटित हो रही है, एक कोई घटना है ई, स्मॉल ए तरीके से घटित हो रही है, स्मॉल बी तरीके से घटित नहीं हो रही, नंबर ऑफ हैपनिंग्स और नंबर ऑफ नॉट हैपनिंग्स, ऐसे लिख लेना आपने। हमने मान लिया हमारे पास कोई घटना थी जो स्मॉल ए तरीके से घटित हो रही थी, मान लीजिए बना लीजिए सैंपल स्पेस, पर एक कोई घटना ये है कि स्मॉल ए तरीके से घटित हो रही है और स्मॉल बी तरीके से घटित नहीं हो रही। तरीके, तरीके मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब एक कोई घटना ये ए है, ए नाम की मान लो कोई घटना है, वो स्मॉल ए तरीके से हो रही और स्मॉल बी तरीके से नहीं हो रही, मतलब जो जो एलिमेंट इसके अंदर आएंगे तो वो होने के हो गए। तो एक बात बताओ टोटल एलिमेंट इसमें कितने हुए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ए की जगह ई नाम दे अच्छा लगेगा, इवेंट ई है, हैपनिंग ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिख लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस लिख लेंगे, तो कितने फेवरेबल केसेस है ए, और टोटल केसेस कितने हैं जो सर्कल स्पेस में है ए प्लस बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग यानी जिसको हम लोग पी बोलते हैं ए अपॉन ए प्लस बी कहलाएगी, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, Not happening, not happening, जिसको हम ई बार बोलेंगे, डैश बार की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब नॉट हैपनिंग बात करें तो जो इसके फेवर में नहीं खड़े वो लोग ये बी अपान ए प्लस बी ये आ जाएंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकल आई अलग, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू बी अपान ए प्लस बी, इज इट कन्फर्म? अब इन दोनों का जरा सम करते हैं, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन कॉम्प दोनों का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ई बार ये ई डैश इसको ए अपॉन ए प्लस बी आ गया, इसको बी अपॉन ए प्लस बी बोलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे सर, और दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी आएगा, तो यहाँ भी ए प्लस बी आएगा, ये कटाकटी करेगा तो ये वन होंगे, यानी किसी घटना के होने और ना होने का जो सम होता है, अगर कोई घटना हो रही है और नहीं हो रही है, इनका दोनों का जो सम होगा हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, अगर हमने कहा हम मैच जीतेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो हम मैच हारेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, कैसे निकली? इस चीज से निकली, होना और ना होने का सम किसके बराबर है, तो हमने कहा हम जीतेंगे 1/3, तो हम हारेंगे कितने से, तुरंत पता चल गया सर इतने से हारेंगे सर आप, 1 - 1/3 = 2/3,
ऐसे निकल आएगा, होना ना होना। अगर होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो ना होने की तुम्हें तुरंत पता, अगर ना होने की पता है तो होने की भी पता। किसकी? उस इवेंट की, पर्टिकुलर उस इवेंट की, दूसरी इवेंट की बात नहीं करेंगे, उसी पर्टिकुलर इवेंट की होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। फॉर्मूला, इसी में एक वर्ड आता है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। एक वर्ड आपको यूज करने को मिलेगा ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। बहुत सिंपल वर्ड है, हमने भी बताया था, ए नंबर ऑफ स्मॉल ए क्या है, होने के वे हैं, और बी ना होने के वे हैं। तो ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ये होता है ए रेशियो, और ऑड्स इन अगेंस्ट ये होता है बी रेशियो, उसे याद रखना, ठीक है। कभी कभी प्रोबेबिलिटी में शब्द का नाम सुनने मिलेगा तो फिर आपको भी सर हमको तो समझ ही नहीं है, ऐसे कहेंगे कि जैसे क्वेश्चन दिए, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:5। ऑड्स इन फेवर दे दिया, कौन सा दे दिया, ऑड्स इन फेवर 2:5। देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, ऐसे लिख दीजिए। तो भैया नॉट हैपनिंग पूछा है, नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये बी अपान ए प्लस बी। क्या होता है बी अपान, अभी पढ़ा है, होना ए अपान ए प्लस बी, ना होना बी अपान ए प्लस बी। आपको क्या दिखा है, ऑड्स इन फेवर दिया गया, फेवर यानी ए रेशियो बी दे दिया गया, ए रेशियो बी की वैल्यू 2:5 है, इसका अंदर ए की वैल्यू बी की वैल्यू मिल गई, ए कितना हो गया 2 और बी कितना हो गया 5। अब यहाँ पे आइए, नॉट हैपनिंग पूछा है तो 5/2+5 कितना आ गया आंसर, 5/7 आंसर, 5/7 आंसर, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तब करवाए जाएंगे, दबाएंगे भी सवाल तब हम करेंगे, तो अभी एग्जांपल समझाएगा ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट का यूज कहां करेंगे, तो इस तरह से यूज होता है। इसके बाद एक और चीज बताइए, प्रोबेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पी, पी की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, बराबर होती है, और 1 से छोटी और बराबर होती है। ये कैसे आया सर, समझा रहे सर, समझने का कष्ट करिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए ये हमारा सैंपल स्पेस है, ऐसे लिख दिया, और इसके अंदर एक इवेंट है ई, ठीक। अब देखिए इसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, है ना, 10 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर के एलिमेंट माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। लेकिन एक चीज सुनिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई, ई में जो एलिमेंट की संख्या होगी, अब देखो क्या क्या हो सकता है, या तो इसमें एक एलिमेंट नहीं है, तो इसमें अगर एक एलिमेंट नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या जो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर एक से मतलब कुछ एलिमेंट है, मान लो कुछ एलिमेंट 10 एलिमेंट, जैसे मान लो 5 एलिमेंट ऐसे ऐसे रखे हैं, ये इसको 12 से रख दिया है, ये ऐसे रख दिया, तो इसका मतलब ये लिखेंगे एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, और किससे छोटी है, और देखो ns, इस भाई इसके एलिमेंट की संख्या को एन ही रिप्रेजेंट करेगा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या को ns को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो ये बात सही लिखी है। अब हमने कहा साहब इसके अंदर कोई सारे एलिमेंट ऐसे बाहर ही है, ऐसे ऐसे हो जाए, ये कंडीशन फॉलो करेंगे कि एनी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी 0 के बराबर है, और ns के, और अगर ये सारे एलिमेंट इसके अंदर घुसाएं तो ये भी स्थिति तो बन सकती है। तो इस फिगर को देखने के बाद आप ये क्लियर कर रहे हैं कि एनी की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ एलिमेंट, या तो 0 से बड़े होंगे या 0 के बराबर होंगे, और या तो ns से बड़े होंगे या, अब ये कहां से देखा, आप देखिए ध्यान से, जब हम बात करें किसकी, अनसर्टेन इवेंट की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू 0 थी, जब हमने बात की सिंपल इवेंट की, तो एक एलिमेंट आया था कंपाउंड इवेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट थे, ये सब पूरी हो रही। फिर हमने बात की जो कंपाउंड इवेंट, एलिमेंट की संख्या एन एस से छोटी थी, जिसमें एक एलिमेंट आया सिंपल में, एक एलिमेंट उसमें दो आए, और फिर एक की सर्टेन इवेंट बराबर आए, तो ये बात हमेशा पूरी बात लिखी है, जिसमें सब कुछ लिखा, सारी डेफिनेशन है, सिंपल को भी फॉलो कर रहा है, कंपाउंड को भी फॉलो कर रहा है, सर्टेन को भी फॉलो कर रहा है, और अनसर्टेन को भी फॉलो कर रहा है। अब हमने क्या किया, इस लाइन में पूरी लाइन एन एस से डिवाइड कर दिया, किससे, डिवाइड बाई एन एस, तो 0 अपान कितना आएगा एन एस, एनी अपान एन एस, ns अपान ns, ये कितना आ गया, 0 देख गया, लेस देन एन अपान ns की वैल्यू e कहलाती है, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया, मतलब ये हमें पता चल गया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, या 1 के बराबर होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब आपको बताए जा रहे हैं, बाद में पिटे पिटे ना करना, कह लो आपका इससे कारण जो ऐसे बोले देख दूसरा मार मार कर बिल्कुल सुझाए देंगे। चले क्लियर हुए अब छोटे छोटे सवालों को, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया लगभग लगभग, फिर आगे जैसे जैसे आता जाएगा 11th का बताते चलेंगे। अब थोड़े से सवाल देखे जाए, क्योंकि वीडियो
समाप्ति की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पता लगा कोई सवाल ही ना बता पाए, सिर्फ पांच हफ्ते में रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, वो सीखेगी। और जैसे सिंपल सिंपल सवाल, ये सवाल आप एक एक सेकंड में करेंगे, एक कॉइन इज टॉस्ड, क्या किया कॉइन को हमने टॉस कर दिया, पुलटोस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक, तो किसको टॉस किया, कॉइन को, कॉइन को जब टॉस करेंगे सैंपल स्पेस आप ये बनेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा, फट से बना लिया, बन गया, तो इसकी एनएस की वैल्यू कितनी होगी साहब, दो, अब इसके सैंपल स्पेस बनेंगे, सॉरी इवेंट बनेंगे, हमने कौन सी इवेंट की बात करें, हेड वाली, तो देखो अगर इवेंट बताई जाए तो ये एक इवेंट तो ये बनी होगी, एक इवेंट साहब ये बनी होगी, एक इवेंट ये बनी होगी, और एक इवेंट खाली वाली बनी होगी, बनी इवेंट, इनमें से किसकी इवेंट की, हेड वाली, यानी इस इवेंट की बात कर रहे हैं, तो ई इसको क्या बन गया, एच, इसको लिख के समझाएं, बता दीजिए इसमें कितने इवेंट आगे साहब, एनी एनी में इवेंट बताओ कितने है, एक, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, पी इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, एक बटे दो आंसर हो, प्रोसेस समझा दी कैसे लिखना है, प्रोसेस समझा दिए साहब कैसे लिखना है, अब वो बदतमीजी करेंगे, अभी तो एक पॉइंट टॉस कराया, दो पॉइंट टॉस कराएंगे, तीन पॉइंट टॉस कराएंगे, चार पॉइंट टॉस कराएंगे, करें टू पॉइंट आर टॉस्ड, टू पॉइंट आर टॉस्ड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब देखो इसमें, अब फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऑफ गेटिंग वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, कुछ भी बोल सकते हैं, गेटिंग टू हेड, गेटिंग नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, कुछ शब्दों के साथ हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, नंबर ऑफ गेटिंग टू हेड, टू हेड है ना, एट लीस्ट टू हेड, नहीं इसको सबसे नीचे रखें, एट लीस्ट वन हेड, ओनली वन हेड, ये तीन क्वेश्चन बन गए, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस तैयार होना चाहिए ना हमारा, जब सैंपल स्पेस तैयार तभी तो हम अच्छी बातें कर पाएंगे, अच्छी बातें बुरी बातें तभी तो हो पाएंगी, तो आई सर दो पॉइंट को जब टॉस करते हैं तो क्या बनता है सैंपल स्पेस, कैसे बनाते, बनाने का तरीका बता दें, देखो हेड टेल, हेड टेल, ऐसे एक चार बार लिखिए, अब चार बार क्यों लिखा सर, अगर दो पॉइंट को टॉस करेंगे, एक पॉइंट को टॉस करेंगे तो दो केसेस बनते हैं, हेड और टेल आता है, जब दो बार करेंगे तो दो इसके और दो इसके, और गणना का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन में गणा था तो गुणा करा दे तो चार केसेस बनेंगे, इसलिए चार बार लिख लिया हेड टेल हेड टेल, फिर दो दो का पेयर चला दो, हेड हेड टेल टेल, चार केसेस बनेंगे, अगर तीन पॉइंट को टॉस करें तो साहब छह केसेस बनेंगे, दो इसके दो इसके दो इसके, तो गुणा कराएंगे तो आठ, छह करें आठ केसेस बनेंगे, गलत बोल गए, आठ केसेस बनेंगे, दो गुणे दो आठ केसेस बनेंगे, बनाने का तरीका पहले क्या करते हैं, अल्टरनेट हेड टेल लिखते हैं, फिर दो दो के पेयर चलाते हैं, पहले तो नंबर ऑफ केसेस क्लियर कर लीजिए, अगर चार पॉइंट टॉस करेंगे तो 16 केसेस बनेंगे, तो 16 बार हेड टेल लिखना अल्टरनेट करके, फिर दो दो का पेयर, फिर चार चार का पेयर, फिर आठ आठ का पेयर बनाते चले जाइए, अपने आप 16 केस पूरे भर जाए, जहां काम खत्म, तो जब दो मतलब पॉइंट टॉस करें तो ये आएगा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, तो एनएस की वैल्यू साहब कितनी होगी, एनएस इज इक्वल टू सर चार होंगे, अब पहला क्वेश्चन ओनली वन हेड, हमने इवन प्रोबेबिलिटी नाम दे दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इस घटना नाम क्या दे दी, इवन टू हेड 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 हेड, क्या नाम दे दिया, हेड 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 हेड, तो ये हेड हेड हो गया, कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट, एन टू की वैल्यू कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी लिख गई, पी ऑफ ई टू लिख दिया, सॉरी इवन लिख, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज कॉल्ड टू अपॉन फोर, आंसर वन बाई। अब इनका सेकंड केस में हमने उसका नाम E2 इवेंट दे दिया, क्या पूछा है, ओनली वन हेड, किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, तो यानी हेड टेल बनेगा या टेल हेड बनेगा, तो कितने एलिमेंट आ गए सर, दो, एन टू की वैल्यू, एन ई टू की वैल्यू कितनी होगी, दो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इज इक्वल टू एन ई टू अपॉन एन एस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, हम अभी झुका दे रहे हैं, परेशान ना हो, एक बटे दो, यहाँ कुछ गलत दिख गया सर, इसमें एक ही एलिमेंट आया था, एक ही एलिमेंट आया था भाई, एलिमेंट तो एक था ना, तो यहाँ पे एक बटे चार आई है, गलत लिख दिया, जल्दीबाजी में यही होता है, एक बटे दो इसकी, एक बटे चार इसकी, अब कह रहे हैं एटलीस्ट वन हेड, अगर एक हेड आएगा वो भी केस काउंट होगा, एक से ज्यादा हेड होगी तो वो भी केस काउंट हो गया, देखो कितने केस हो गए, एक दो तीन, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, तीन बटे चार बन जाएगी, एक बटे दो बनी थी इसकी, एक बटे चार बनी थी, देखो चेक कर लो,
सारे केसेस की स्टडी आपके सामने रखी हुई है। क्लियर या ऑल क्लियर? जमा जम क्लियर? एटलीस्ट वन हेड, एग्जैक्टली टू हेड, इन शब्दों को क्लियर करो भैया। नो हेड, टू हेड, थ्री हेड, कुछ भी करेंगे। ऐसो दो पॉइंट को टॉस करा दिया, अगर तीन पॉइंट को टॉस कराएंगे फिर केसेस बनवाएंगे, फिर क्वेश्चंस पूछेंगे, कर लेंगे, आप लोग करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करें एक कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स। एक कॉइन को कितने बार टॉस किया? थ्री टाइम्स। ए कॉइन टॉस्ड थ्री टाइम्स, कितने टाइम्स टॉस किए? थ्री टाइम्स। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर वन, थ्री हेड, नंबर वन थ्री हेड, नंबर टू नो हेड, नंबर तीन थ्री हेड, नो हेड, वन हेड, वन हेड। ये तीन क्वेश्चन, तो किसको टॉस कर रहे हैं? कॉइन को। कितनी बार? तीन बार। तीन बार टॉस करेंगे, एक बार टॉस करने में दो केस बनते हैं, तो तीन बार में कितने केस बनेंगे? दो गुणे दो गुणे दो, यानी आठ केस। कैसे बनाएंगे? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, आठ बनाएंगे, आठ लाइन लिख लीजिए, फिर दो दो पेयर हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, फिर चार चार के पेयर हेड हेड फिर टेल टेल, डबल करते जाते हैं। अब देखो तीन कॉइन, तीन कॉइन दिखने लगे सब जगह की, नहीं तीन कॉइन दिख रहे नहीं सब में, तीन कॉइन का केस बन गया। सैंपल स्पेस आपके सामने ऐसे लिखा, हमने ऐसे लिख दिया, तो एनएस की वैल्यू बताओ कितनी हुई? एनएस आपको दिखाई देगा कितना? आठ। हम इस इवेंट को नाम ई वन दे रहे हैं, इसको नाम ई टू दे रहे हैं, इसको नाम ई थ्री दे रहे हैं। हम सीधे सीधे समझाएंगे, बार बार वहां लिखेंगे नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू जरा देखिएगा, कितने हेड बोले? तीन हेड। तीन हेड कहाँ आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं सर। कितने केस मिल रहे हैं? सिर्फ एक केस मिल रहा है, एनी अपॉन एनएस ए बटे आठ आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नो हेड, नो हेड, इसमें हेड है, इसमें है, इसमें 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 सब में, इसमें नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू की वैल्यू भी कितनी आएगी? वन बाई एट। फिर वन हेड, वन हेड देखो कहाँ है, इसमें तीन बेकार है, इसमें दो बेकार, इसमें दो बेकार, इसमें एक वन हेड, इसमें दो हेड है, इसमें एक हेड है ना, और इसमें भी एक हेड है। देख लो, चेक कर लो, जहां जहां एक हेड है वो वाले पकड़ लीजिए। तो क्या देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, तीन केसेज आपके फेवर में होंगे, बाकी टोटल एट केसेज है। लैंग्वेज आप लिखना आप सीख ही चुके हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी है नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए जल्दी थोड़ा स्पीड में लेके चलना है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं। ए ए ए ए अभी सब सत्यानाश हुआ था, मोबाइल अलग गिरता, हम अलग गिरते और सब सब खत्म है ना, सारा वीडियो बन जाता है एक सेकंड के अंदर। हाथ लग गया उसमें, कोई बात नहीं, लग गया लग गया, है ना, कोई दिक्कत? एटलीस्ट सर, अब देखो इसी इसी अच्छा मिटा दिया यार, क्या होता है, चलो ठीक है फिर से बना लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है, अगला वाला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की वैरायटी को और उन्होंने अच्छा की है। कह रहे थ्री कॉइन और टॉस, कितने कॉइन? थ्री कॉइन आर टॉस्ड, ठीक। देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, लैंग्वेज लिख लेना। नंबर वन, एट मोस्ट वन हेड, बहुत अच्छे से समझिएगा, अब यहां पे बहुत अच्छे शब्द आ रहे हैं, एट लीस्ट वन वर्ड, ए वन हेड, वन हेड हेड, एट लीस्ट वन हेड। नंबर तीन को देखिएगा, लेस देन वन हेड, लेस देन वन हेड। नंबर चार को देखिएगा, मोर देन वन हेड, ये शब्द मिलेंगे तो ये दिक्कत करेंगे, इसलिए एक बार अगर समझ लोगे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। नंबर पांच को देखिएगा, एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल, एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल, वन टेल। स्पेलिंग गड़बड़ हो तो अपना देख लेना भैया, इसमें हम कोई डिस्कशन नहीं, नॉट मोर देन टू हेड, नॉट मोर देन टू हेड, ठीक। ये छह क्वेश्चन में हमें शब्दों की भाषा को क्लियर कर लेना है, कि ये शब्द आएंगे तो हमको ये चीज हैंडल करनी है, थोड़ा सा इंक भर लीजिए आपके साथ ही साथ में, तो
सैंपल इसके साथ तब तक बना ले अपना, आपके पास तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आप ढंग से बना लेंगे। आठ केसेस बनाई जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाए थे, क्योंकि हम तो बड़ी जल्दी बना लेंगे, आप भी बना लीजिए तब तक अपनी कॉपी में, हम इन तो भर लेते हैं कुछ काम हो जाए, है ना। क्योंकि वीडियो बहुत तेजी से भागता चला जा रहा है ना, आप परेशान ना हो, आप पूरा पूरा बेसिक मिलेगा, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा, चिंता ना करें। हाँ थोड़ा बीच में डिस्टर्ब जरूर हुआ है, लेकिन हम उस डिस्टर्बेंस को बहुत जल्दी, है ना, इतनी स्पीड में ज़्यादा ज़्यादा लेके आएंगे ना, एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो जाने पटाएंगे तो सबको दिन लगेगा भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, फिर आप फिर कहोगे सर रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो, अभी मज़ा नहीं आ रही है ना, मज़ा लेने के लिए फिर आपको परेशानी उठानी पड़ जाएगी। चले आगे बढ़ाएं, बढ़ाने का कष्ट करते हैं। तो सैंपल स्पेस आपका बन गया, बन गया नहीं बना हमारा बन गया, हम सबकी नाम दे रहे हैं, इस इवेंट का नाम E1 दे रहे हैं, इसका नाम E2 दे रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज जब लिखेंगे तो लिख लेंगे E3, ये E4, ये E5, ये E6 ऐसे लिखेंगे सर, लेट द इवेंट इज एन इवेंट फॉर गेटिंग एट मोस्ट 100, ऐसे लिखना पड़ता है कॉपी में, लेट इवेंट इज एन इवेंट फॉर गेटिंग At most one head. E2 is an event for getting at least one head. क्योंकि सब इवेंट अलग अलग है। सैंपल स्पेस पहले देखो S. NS की वैल्यू तो 8 हो गई, तो बात क्लियर है क्योंकि तीन पॉइंट क्रॉस किए। कैसे बनेगा हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, आठ बार लिख लिया आपने, फिर हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड 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 टेल 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 टेल, चेक करो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड, एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड कहाँ है देखो, इसमें तो भैया तीन हेड बेकार है, दो हेड बेकार है, दो हेड बेकार है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एट मोस्ट ये केस हमारे काउंटेबल हो गया, एक दो है बेकार है, एक है काउंट है, काउंट है, इसमें एक भी नहीं है, ये भी काउंट है, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा मतलब एक हेड से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर एक को हेड नहीं होगी तो भी काउंटेबल होगा, बस यही गड़बड़ है, यही छूट जाता है बच्चे, ये तीन कर लेते हैं छोड़ देते हैं, तो क्या है इसकी वैल्यू 4/8। अब लैंग्वेज आप लिख लेना, पी इज इक्वल टू एन एन एस को नहीं समझा रहे, आप लिखना जान गए 4/8 आएगी कि नहीं आएगी, फिर लिखा एट लीस्ट वन हेड, अब देखो यहां शब्द बदल दिया, मतलब एक से ज्यादा हेड हो, एक से ज्यादा एट लीस्ट एक हो या एक से ज्यादा हो, तो देखो इसमें तो तीन है, ये भी काउंट, 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 ये भी, ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक को हेड नहीं है, एट लीस्ट कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हो चलेगा, दो हो चलेंगे, तीन हो चलेंगे, 7/8 वर्ड को समझे, लेस देन वन हेड, लेस देन वन हेड, लेस देन मतलब एक से कम हेड, लेस देन वन हेड मतलब एक से कम हेड कहां है, ये है 1/8, एक भी हेड नहीं हुई है, लेस देन वन हेड 1/8, चेक करो जल्दी जल्दी, ताबड़ तोड़ मुंह फोड़। हाँ अगला पढ़िए, अगला लिखा है मोर देन वन हेड, मोर देन मतलब एक से ज्यादा, यानी एक वाला नहीं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं, दो दो हेड, किसमें देखो दो हेड हो या तीन हो, इसमें नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा, इसमें दो हेड है, एक इसमें दो है, दो दो और ये तीन, यानी 4/8 आ जाएगा, मतलब मोर देन वन हेड मतलब दो हेड, मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन वन हेड लिखना चाहिए, मोर देन वन हेड, या वन शब्द नहीं लिखा, वन हेड, वन हेड एक से ज्यादा हेड, यानी दो हेड हो चलेगा, तीन हेड हो चलेगा, अब चार हेड तो नहीं चलेंगे क्योंकि चार हेड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, कितनी आपने तीन ही पॉइंट क्रॉस किए हैं। हाँ तो भैया 4/8, अब लिखा एट लीस्ट वन हेड और एट एट लीस्ट वन टेल, एक हेड हो और एक टेल हो, एक हेड हो और एक टेल हो, एट लीस्ट वन हेड, एंड लगा है लिखा है कि और लिखा है सब जरा क्लियर कर, एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल, एक हेड और एक टेल, एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल, जरा चेक करो कहां कहां है, एक हेड हो या एक टेल हो चलेगा, कहां है देखो, इसमें एक हेड है दो टेल है, लेकिन एटलीस्ट शब्द यूज किया गया, हम काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे, ध्यान से देख लो, हम इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, इसमें इसमें देखिए एक हेड है, हाँ है, और दो टेल है चलेगा, दो हेड है एक टेल चलेगा, चलेगा चलेगा चलेगा, ना ये चलेगा ना ये चलेगा, क्योंकि इसमें तीनों हेड है, टेल है ही नहीं इसमें, इसमें टेल तो है लेकिन हेड नहीं है, 6/8 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6/8 है ना। जब आप करोगे सवाल तो तरीका तो आप यहाँ कैसे करोगे, आप कहोगे सर हम करें कैसे, लिखें कैसे, अब मान इसको लिखना बता देते हैं, आप यहाँ पे कौन सी इवेंट है, ये E5 लिखेंगे पहले, इसे इवेंट NS पूरा तो बनाया होगा ऊपर, और ये सॉरी सैंपल स्पेस बनाया होगा, उसके बाद NS की वैल्यू लिखी होगी, फिर इसकी इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, पहले ये सारी इवेंट जो जो आपने लिखी इसमें ले रहे हैं, HHT वाली ले रहे हैं,
एच टी एच वाली ले रहे हैं, फिर एच टी टी वाली ले रहे हैं, फिर टी एच एच वाली भी ले रहे हैं, फिर टी एच टी वाली भी ले रहे हैं और टी टी एच वाली भी ले रहे हैं, ये हो गए। फिर इसके लिखेंगे नंबर ऑफ एन फाइव इज इक्वल टू सिक्स के, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू पी फाइव इज इक्वल टू एन ई फाइव अपॉन एन एस, इसमें छह इसमें आठ, ऐसे करके लिखना होगा आपको। उतना इवेंट पूरी दिखाओगे कौन कौन से केस आप ले रहे हो, वो उसको बनाओगे, उसमें कितने एलिमेंट हो काउंट करके लिखोगे, फिर फॉर्मूला लिखोगे, फिर वैल्यू रखोगे। हम डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं, समझ गए होंगे। अब नॉट मोर देन टू हेड, नॉट मोर देन टू हेड, नॉट मोर देन टू, नॉट लगाया मोर देन टू लगा, बहुत बड़ी बात, नॉट मोर देन टू, नॉट मोर देन टू, शब्द लिखा नॉट मोर देन टू, अच्छी बात है, टू हेड, नॉट मोर देन टू हेड, क्या मतलब है, कौन कौन से केस आएंगे, कितने केस आएंगे, नॉट मोर देन टू, दो से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए, दो से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए, मतलब ये केस चलेगा, दो हेड है, 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 ये चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं, लेकिन ये केस नहीं चलेगा, इसमें तीनों हेड है, ये कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, सात बटे, नॉट मोर देन, दो से ज्यादा हेड वाला केस नहीं चाहिए, बस हटा दो, तीन हेड वाला हटा दिए, बाकी सात बज के लिख के तब दिया खत्म, ओके। वीडियो अपना पूरे टाइम लिमिट खत्म करते हुए समाप्ति की तरफ पहुंच रहा है, इसलिए वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे, अगले वीडियो में फिर हम आगे की क्वेश्चन जिसमें डाइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे लेकर आएंगे, ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए, लगे रहिए।